हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसके बारे में जो है आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। जो आज का टॉपिक है वो है रियलाइजेशन ऑफ परफेक्शन इन द इम्परफेक्शन। इसका मतलब क्या है? हमेशा हम अपनी सारी लाइफ जो है वो निकाल देते हैं कि कोई परफेक्ट वन जो इंसान है वो हमें मिलेगा हमारी लाइफ में, और उसी के अराउंड हमारी जो स्पेशली अडल्ट्स की जो लाइफ है वो घूमती रहती है फॉर सर्चिंग फॉर द राइट पर्सन। सो इन दिस वे वो डेफिनेटली सर्च अबाउट कि किस तरीके से हम इम्परफेक्शन में परफेक्शन ढूंढ सकते हैं। ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक सी बात है अगर हम किसी परफेक्ट पर्सन की सर्च में हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं है। जो असली चीज़ है वो विद इन से आती है। मैं कहने का मतलब क्या है, गोल गोल नहीं घुमाऊंगी, डायरेक्ट जो है वो बात शेयर करूंगी आप लोगों से। तो डायरेक्ट बात ये है कि जब दो लोग जो कि टोटली यूनिक हैं अपने आप में, कोई भी इंसान इस दुनिया में जो है परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ जो है वीकनेस होती है, किसी की स्ट्रेंथ्स होती हैं। सो हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस जो है वो होती हैं। तो उस केस में हम राइट वन की तलाश अपने लिए कैसे करें जो हमारे लिए बेस्ट सूटेड हो। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस, कि विद इन से हमारे अंदर जो एक्सेप्टेंस का भाव है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज यहाँ जहाँ पे लव हो जाता है, जहाँ पे इमोशंस जुड़ जाते हैं, वहाँ पे जो दूसरे इंसान की कमियाँ हैं वो भी हमें इफ़ेक्ट नहीं करती। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, और साथ ही साथ इम्परफेक्शन में परफेक्शन कैसे पाई जाए। जब हम एक्सेप्टेंस का भाव रखते हैं, हम किसी को लव करते हैं, हम उसकी कमियों को भी इग्नोर करते हैं, दूसरे इंसान को मोटिवेट करते हैं, तो बस वो की है जो एक्सेप्टेंस है वो इम्परफेक्शन रिलेशन को भी परफेक्ट बना देती है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टोटली यही था कि आखिर कैसे हम इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन को ढूंढ सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा वॉक कर रही थी तो सांस वगैरह जो है मेरी फूली हुई है, तो मुझे लग रहा है इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि वॉक करते करते मैं वीडियो बनाती, बट चलो आज की वीडियो तो ऐसे ही बना दी है, जो कि बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि अपने अंदर आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। दूसरे पर्सन को चेंज करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। आप सिर्फ दूसरे इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं या फिर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसा भी वो इंसान हो। तो इसी मेंटेलिटी के साथ जो है आप एक इम्परफेक्ट कनेक्शन को भी परफेक्ट कनेक्शन में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे आज की वीडियो जो है हम ख़त्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।